Assalamu alaikum student, today we are discussing for grade 5. We are going to discuss unit number 5, page number 56, the happy prince. First of all, you should know the meaning of happy. As you all know, the happy means the joyful, the cheerful, and the prince is the most respectable person of any town or kingdom. First of all, you should know the characters of the story, the happy prince. The first character and the main character of the story, the prince, who was happy and joyful king when he was alive. He did not see any sorrow and grief. And the second character is Swallow, which is basically the bird, who became the friend of happy prince and helped people with him. Okay, thirdly, I am going to describe you, explain you the summary and key points of the story. The story is about the happy prince who was happy and joyful king. When he was alive, he did not see any sorrow and grief. After his death, people of his kingdom made his statue and stood in the middle of the city in Europe. His statue completely covered with gold, blue sapphires in his eyes and ruby were in his sword. One day a swallow flew from one place to another place, set out for warmer lands. Most of the birds had already gone, but one swallow left alone and met to the king. With the help of swallow, king helps the needy and poor people. First, he gave his ruby to a woman whom son was ill and she couldn't buy oranges for him. Second, he gave his one sapphire to student who couldn't buy oranges and second sapphire to girl who is sold matches. And finally, he gave his all gold leaves of his body to poor and needy people in his town. Finally, he became ugly, but he was happy because he helped to poor people's. Do you know, student, why he was happy? Because he has a kind heart. His heart could feel the sorrow and grief of pupils. इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े स्टैच्यू से, एक मूर्ति जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। ये स्टैच्यू इतना बड़ा है कि पूरा टाउन देख सकता था इस स्टैच्यू को, और ये स्टैच्यू देख सकता था उस पूरे टाउन को। उस पर सोने का वर्क चढ़ा हुआ है। अब उसकी आंखें बनी हुई है नीलम के पत्थर से, इंग्लिश में सैफायर्स बोलते हैं, गहरे नीले रंग का कीमती पत्थर। और उसकी तलवार पर, तलवार के हेल्ट पर रूबी लगी हुई है। जो भी उस स्टैच्यू के पास से गुजरता है उस स्टैच्यू की बहुत तारीफ करता है। इस टाउन के काउंसलर्स जो थे वो भी स्टैचू की तारीफ करते थे। हालांकि इन सबको अपनी रेपुटेशन बहुत प्यारी थी, ये लोग हर उस चीज़ को इग्नोर कर देते थे जो इनके लिए बेनिफिशियल नहीं होती थी। तो ये लोग भी स्टैचू की तारीफ करते थे अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए। एक दिन एक स्वैलो बर्ड उड़कर यहाँ पर इस सिटी में आती है। ये बर्ड इजिप्ट की तरफ जा रहा था, तो इसको एक रीड बर्ड से प्यार हो गया था, लेकिन वो रीड बर्ड इसके साथ ट्रैवलिंग पर नहीं आया, तो ये स्वैलो अकेला पड़ गया। और यहाँ पर आकर ये इस स्टैचू के नीचे बैठ गया। ये स्टैचू है दोस्तों हैप्पी प्रिंस का, इसके नीचे बैठ गया और रेस्ट करने लगा। अचानक इसने क्या देखा कि इसके ऊपर पानी आकर गिरा। इसने देखा कि बारिश हो रही है इतनी क्लियर नाइट में, कोई आसमान में बादल नहीं है। तभी उसकी नज़र पड़ती है हैप्पी प्रिंस के स्टैचू पर, वो स्टैचू रो रहा था। तो ये स्वैलो बर्ड उड़कर उसके फेस के पास गया और उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं स्वैलो हूँ। तो वो बोलता है मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। उस हैप्पी प्रिंस ने उसको अपनी कहानी बताई, उसने पूछा था कि क्यों रो रहे हो, तो उसने कहानी बताई, मेरा नाम हैप्पी प्रिंस है, मेरा बचपन इसी पैलेस में गुजरा है, इसी महल के अंदर गुजरा है, इसी गार्डन की ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर मैं खेला हूँ। बचपन में मेरी लाइफ में मुझे हर टाइप का प्लेजर मिला, मुझे इस सिटी की तकलीफ़ों का एकदम पता नहीं था, बिल्कुल अनजान था मैं सिटी की तकलीफ़ों से। और जब मेरी डेथ हो गई तो मेरी डेथ पर यह स्टैचू बनाया गया। आज जब मैं सिटी के लोगों की तकलीफ़ों को देखता हूँ तो दिल रोता है मेरा बहुत। मेरा ये स्टैचू सॉलिड गोल्ड का नहीं बना हुआ,
मतलब इसके ऊपर परत चढ़ाई गई है, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? अब स्टैच्यू ने स्वेलो से पूछा कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, कैसी हेल्प? तो स्टैच्यू बोलता है कि सिटी में एक लेडी है जिसके गाउन पर कुछ फ्लावर्स बने हुए हैं और वो अपने छोटे से गरीब से घर में रहती है, उसके बीमार बेटे के साथ में वो रहती है, तो उसकी हेल्प करनी है। ये स्वेलो बर्ड उस स्टैच्यू की तलवार में से रूबी निकाल कर उस लेडी को देने गया। उस स्टैच्यू के कहने पर जब ये बर्ड रूबी देने जा रहा था तो इसने देखा कि रास्ते में कुछ ओल्ड ज्यूज बार्गेनिंग कर रहे थे आपस में। अब रूबी उसने दी, उसके बाद उस बीमार बच्चे को अपने पंखों से हवा की और रूबी देकर जब ये वापस लौटा तो वापस आकर ये थोड़ा गर्म फील करने लगा। सर्दी के मौसम में भी ये गर्म फील करने लगा क्योंकि उसने अच्छा काम किया था तो उसे गर्मी मिल रही थी। अच्छा, तो अब उसे इजिप्ट जाना था, तो हैप्पी प्रिंस को बताता है कि इजिप्ट में क्या क्या होगा। तो हैप्पी प्रिंस उस बर्ड से बोलता है कि मत जाओ, अभी मत जाओ, मेरा एक और काम कर दो, मुझे तुमसे और हेल्प चाहिए, यहीं रुक जाओ, मेरी हेल्प करो। तो वो बताता है कि सिटी में एक यंग प्लेराइट है, एक यंग ड्रामेटिस्ट जो छत पर अपने कमरे में सर्दी में कांप रहा है, तो उसे अपना प्ले ख़त्म करना है क्योंकि उसे एक थिएटर डायरेक्टर को देना है, लेकिन सर्दी बहुत है, वो लिख नहीं पा रहा, तो जाकर उसकी भी हेल्प कर दो। स्वेलो बर्ड मान जाता है, ये एक और रात यहाँ पर रुक जाता हूँ। उसने क्या किया, हैप्पी प्रिंस की आंखों में से एक आंख में से वो नीलम का पत्थर नोच लिया और उस प्ले राइट को जाकर दे के आया। अब की बार जब वो लौट कर आया तो उसने अब की बार प्रिंस से विदा लेने की कही, तो प्रिंस ने उससे कहा कि ये मेरी दूसरी आंख में जो पत्थर है, जो मोती लगा हुआ है, वो एक छोटी सी मैच गर्ल को दे आओ प्लीज़, इसी टाउन में रहती है, एक छोटी बच्ची थी जो मैचेस बेच रही थी गली के कोने पर, उसके फादर ने उसे ज़्यादा पैसे ना लाने पर पीटा और उसके मैचेस नीचे गिर गए, तो उसकी भी हेल्प कर दो, तो अगर हेल्प नहीं करोगे तो वो बेचारी पिटेगी। अब स्वेलो बर्ड मान गया, फिर से मान गया, उसने उस ब्लाइंड प्रिंस के स्टैचू के साथ रहने का, हमेशा रहने का फैसला किया। वो प्रिंस के शोल्डर पर बैठ गया और इजिप्ट की बातें करने लगा। फिर वो टाउन में घूमकर आया और प्रिंस को बताया कि एक तरफ तो रिच लोग अपनी शादियां कर रहे हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग भूख से मर रहे हैं उन्हीं के दरवाज़ों पर। दो यंग बच्चे थे, दो यंग लड़के थे जो ब्रिज के नीचे खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे, तो एक वॉचमैन वहां पर आया और उन दोनों को भगा दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद में हैप्पी प्रिंस के स्टैचू ने कहा कि मेरे ऊपर जो गोल्ड की परत चढ़ी हुई है वो भी जाकर इन लोगों में बांट दो। अब स्वेलो बर्ड ने वैसा ही किया, गोल्ड की शीट्स को वो उन बच्चों में बांट के आया। ऐसा करते करते स्टैच्यू अब बदसूरत सा लगने लगा था, अगली सा डल ग्रे इस टाइप का वो लगने लगा था स्टैच्यू, लेकिन वहाँ पूरे टाउन में बच्चों के चेहरों पर खुशी आ गई थी, बच्चे गलियों में खेलने लगे थे। अब क्या होता है, इसी बीच एक ट्रेजेडी हो जाती है, सर्दियाँ बढ़ जाती है और स्वेलो बर्ड उस सर्दियों को सर्वाइव नहीं कर पाता। वो जब मरने वाला होता है तो प्रिंस के फॉरहेड पर वो किस करता है और प्रिंस के पैरों में जाकर गिर जाता है। अब ये सब देखने के बाद में हैप्पी प्रिंस का हार्ट, जो लेड का बना हुआ था, उस स्टैचू का हार्ट, वो दो टुकड़ों में टूट गया। अगली सुबह टाउन का मेयर उस ग्रे स्टैचू को देखता है और उस पैरों में पड़े हुए डेड स्वेलो की बॉडी को देखता है, और टाउन के करप्ट काउंसिलर्स फैसला करते हैं कि स्टैचू को मेल्ट करके, पिघला कर एक नया स्टैचू बनवाएंगे। मेयर बोलता है कि मेरा स्टैचू बनेगा, तो बाकी के काउंसिलर्स बोलते हैं कि मेरा स्टैचू बनेगा। आर्ट प्रोफेसर भी बोलता है कि अब ये स्टैचू ब्यूटीफुल नहीं रहा तो ये यूज़फुल भी नहीं रहा। तो वर्कमैन क्या करते हैं, पूरे स्टैचू को गला देते हैं, पिघला देते हैं, लेकिन वो लोग शॉक थे कि पूरा स्टैचू पिघल गया लेकिन उस स्टैचू का जो हार्ट, जो लेड का बना हुआ था, वो नहीं पिघला। अब वो इतना कीमती भी नहीं था, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं पिघला, तो इन्होंने क्या किया, उस हार्ट को कचरे के ढेर में फेंक दिया जहां पर उस स्वेलो बर्ड की बॉडी गिरी हुई थी। अब ऊपर वाले ने, खुदा ने अपनी दो एंजल्स को भेजा कि जाओ धरती से दो मोस्ट प्रेशियस चीजें लेकर आओ। वो एंजल्स ने इन दो चीजों को लेकर वापस लौटी, तो गॉड बड़े खुश हुए, भगवान बड़े खुश हुए
इसके बाद उस हैप्पी प्रिंस और स्वैलो बर्ड को जन्नत में भेजा गया उनकी सैक्रिफाइस के लिए। इसी के साथ में दोस्तों ये स्टोरी खत्म होती है। ओके, नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑफ सेंट्रल आइडिया। कैन यू इमेजिन, कैन यू थिंक व्हाट कुड बी द सेंट्रल आइडिया? सेंट्रल आइडिया इज बेसिकली द मैसेज व्हिच इज द लेसन गिव्स यू। द मैसेज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इज हेल्पिंग अदर्स इज द ग्रेटेस्ट चीट। इफ यू हेल्प अदर्स द गॉड विल श्योरली फ्रूट अस इन चैनल एज हैप्पी प्रिंस हेल्प टू अदर्स। फाइनली द थीम ऑफ द स्टोरी इज इफ अ पर्सन इज काइंड हार्टेड ही कैन फील द सोरो और ग्रीव ऑफ अ पुअर पीपल एज द हैप्पी प्रिंस ऑल्सो हिज हार्ट वॉज मेड ऑफ लीड बट ही कुड फील द एम्पैथाइज विद द दोज हु वर मिस्टेकन।